ये है सैनडिस्क का और ये 3.1 जनरेशन का मेमोरी है और ये 64 GB का मेमोरी है और इसको मैंने लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया यूज करके। और इसका इसको लेने से आपको फ़ायदा है या नहीं और ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको पूरे इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। और साथ में एक दूसरा भी पेन ड्राइव मैंने मंगाया हुआ है, ये भी सैनडिस्क का ही है और इसको भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जो इसमें प्रिंट है ये USB-C टाइप है, तो देखिए इसमें कुछ आ गया है। तो ये आप इसको मोबाइल में आप यूज कर सकते हैं इजीली से, आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं ये USB-C टाइप का है। और अगर आप इसको चाहे तो इसमें सैनडिस्क लिखा हुआ है और साथ में अगर आप इसको चाहे तो यहाँ पे ए टाइप भी दिया हुआ है, तो आप इसको लैपटॉप में भी इजीली से लगा सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे थोड़ा सा ये मेटल का दिया हुआ है और जो बाकी है ये प्लास्टिक है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फ्रेंड्स इस बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि इसको यूज करते हुए मुझे एक साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जब आप इसको मोबाइल में लगाएंगे और मोबाइल में जब लगा के इसको आप कनेक्ट करेंगे और जब इसको मोबाइल में डालेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से ये पीछे हो जाएगा। जब आप जोर से इसको प्रेस करेंगे तो ये पीछे हो जाता है फ्रेंड्स, ये लॉक नहीं रहता है। जैसे आपने इसको लगाया और जब आप इसको मोबाइल में लगाते समय कनेक्ट करेंगे तो ये पीछे हो जाएगा और ये बार बार क्या होता है, डिसकनेक्ट भी हो जाता है। इस तरह से इसे वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता। और जो इसकी स्पीड है, ट्रांसफ़र स्पीड, वो भी अच्छी है, ठीक ठाक स्पीड है। लेकिन जब आप इसको यहाँ से आगे की तरफ इसमें लगाएंगे, जैसे इस टाइप से लगाएंगे और आपको जैसे टाइट से मोबाइल में थोड़ा सा लगाना है तो आप इसको पकड़ के लगाना पड़ेगा। इस आप इसको यहाँ से ऐसे दबा के रखेंगे फिर ही लगा सकते हैं। उसी तरह से इसी साइड भी वही सिस्टम है, आप इसको यहाँ से ऐसे दबा करके रखेंगे और फिर आप इसको मोबाइल में ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप इसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये पीछे हो जाएगा बार बार। और ये क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये लचीला, ये थोड़ा सा हिलता है, देखिए आप इजीली से देखिए ये थोड़ा थोड़ा हिलता है। और इधर भी देखेंगे ये थोड़ा सा मतलब मजबूत नहीं है, जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, वो भी सैनडिस्क का है और 3.1 जनरेशन का है। तो ट्रांसफ़र स्पीड इसकी अच्छी है और ये 800 से 850 के बीच में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, तो आप चाहे तो इसको बाई कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा जो है ये सैनडिस्क का, ये भी 64 GB का है और मैं वो अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा इसके बाद एक और है जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और तीनों में से कौन सा बाय करना चाहिए ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर देता हूं और देखता हूं कि ये वाला पेन ड्राइव जो है कैसा है। मैं इसको यहां से अनबॉक्सिंग कर देता हूं, देखिए। और इसका जो प्राइस है, मैंने इसको 800 के 850 में ख़रीदा हूँ इसको, तो इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट पे कम ज़्यादा होता रहता है और तो इसमें कुछ नहीं है, इसको साइड कर देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और ये बिल है, पर्ची है, तो ये जो है फ्रेंड्स में मिला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिख गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चिप, तो कुछ इस टाइप का चिप है और तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये है चिप का, ये फ्रंट कुछ इस तरह का आता है मोबाइल में जब आप बाय करते हैं इसको, सैनडिस्क का ये और ये 64 GB का है और इसमें लिखा हुआ है, देखिए 3.0 लिखा हुआ है। और इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको लेना है या नहीं लेना है या और आपको कौन सा लेना है। तो इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स ये 64 GB है और जो ये कंपनी क्लेम करती है कि 150 MB पर सेकेंड इसका ट्रांसफर स्पीड है। जो मैंने इसको यूज किया इसकी ट्रांसफर स्पीड हकीकत में ठीक ठाक है, मतलब मैंने 3 GB 4 GB का एक साथ में नेट ट्रांसफ़र किया है तो अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका जो प्राइस है, इसकी प्राइस थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कितना है, उंगली के पास है यहाँ पे देखिए 1600 रुपया इसका MRP है और मैंने इसको 829 रुपये में लिया है। और ये फ्लिपकार्ट पे कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 750 में भी मिल जाता है और कभी 900 में भी मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको अब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ये कैसा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से ये कट करना पड़ेगा, ये कट का निशान दिया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो देखिए ये है कुछ इस तरह से चिप्स और मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये अभी भी पैक है और भी इसमें पैक लगा हुआ है तो पैकिंग तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी पैकिंग है इसके। तो इसको मैं यहाँ से जल्दी इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ थोड़ा सा। तो ये है कुछ इसका सैनडिस्क का है, देख लिया फ्रेंड्स ये। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, ये प्लास्टिक की जो क्वालिटी है अच्छी है, ठीक ठाक क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा भी मजबूत नहीं है। ये ऊपर वाला तो अच्छा क्वालिटी है और आपको इसमें भी मिल जाता है USB-A मिल जाता है और जो आपको ये साइड है USB
सी पोर्ट मिल जाता है। और जो इसकी स्पीड डिफरेंस ये 150 MB/s की क्लेम करती है कंपनी। और जो इसमें आपको 64 GB है तो इसमें 58.9 GB 58/59 GB ही आपको मिलता है, और जो 6 GB है ये खुद प्रोसेसिंग में ले लेता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें आपको ये 64 GB का है, और इसमें आपको मिल जाएगा आपको 58 से 59 GB आपको मिल जाएगा, और आप 58/59 GB यूज कर सकते हैं। ऐसे देखने में स्मार्ट है, आप चाहे तो इसमें चाबी का रिंग लगा सकते हैं, तो एक तरह से सही रहेगा। और आप इसको अगर आप चाहे तो ये चारों तरफ रोटेट होता है, तो आप इस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं इस साइड। अगर आपको कंप्यूटर में लैपटॉप में कहीं भी लगाना है तो आप इस साइड लगा दीजिए, तो ये अंदर साइड कवर हो जाएगा। और अगर आपको मोबाइल में लगाना है तो आप इजली से इसको मोबाइल में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये ठीक ठाक है कुल मिला के। लेकिन अब मैंने जब इसको बाय कर लिया, इसके बाद मुझे लगा इसी के में एक इसी मॉडल में आपको ये 3.0 है, लेकिन इसी का एक सिल्वर कलर आता है जो कि आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे देखेंगे। और जो वो होता है फ्रेंड्स वो मेटल में आता है, और उसकी जो स्पीड है वो जनरेशन है वो 3.1 की है, तो इससे थोड़ा सा एबव है वो सिल्वर कलर वाला। तो अगर आप अभी तक बाय नहीं किए और बाय करना चाहते हैं तो आप इसको प्लास्टिक के जगह अगर आप मेटल वाला खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे। और साथ में इससे थोड़ा सा वो ऊपर जनरेशन मिल जाता है, ये 3.0 है और वो 3.1 है, और साथ में आपको उसमें जो है सिल्वर मेटल देखने के लिए मिल जाएगा। तो चाहो सिल्वर मेटल वाला भी, तो उसको मैंने बुक किया और वो आ जाएगा 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो मैं वो भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा कि सिल्वर वाला जो है मेटल वाला जो है ये पेन ड्राइव कैसा होता है। ये भी ठीक ठाक है, आप आराम से, ज़्यादा वेट नहीं है, तो आप आराम से मोबाइल में लगा के इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पेन ड्राइव को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी फ्लिपकार्ट या अमेजन को ओपन करके आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और साथ में जो दूसरा आने वाला है वो मेटल का सिल्वर कलर का, जो कि बाकी कस्टमर क्या करते हैं वो कलर देखते हैं ब्लैक, जैसा कि मैंने किया। ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगा था और मैंने बुक कर दिया, लेकिन बाद में मुझे जब मैंने सिल्वर कलर को देखा तो बाद में पता चला कि ये जो है प्लास्टिक का है फ्रेम, और जो सिल्वर कलर है वो मेटल का है। तो मेटल कलर का, मेटल का रहेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर बाय चांस हाथ से छूट भी जाता है तो क्रैक होने का चांसेस नहीं रहेगा। ऐसे ये भी मजबूत है, लेकिन अगर मेटल का लेटें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपको कौन सा चाहिए, आपका कोई फोर्स नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, बस मेरा काम था सजेशन देना, आपको क्या लगता है आप वही कीजिए। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही पेन ड्राइव मेरे हाथ में है, देख लीजिए, ये भी 3.1 का है, ये भी सैनडिस्क का है और ये भी सैनडिस्क का है, दोनों ही पेन ड्राइव है। तो इस दोनों में से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आप वेट करेंगे तो मैंने इसी का सिल्वर कलर है जो कि मेटल में है, आप उसको बाय कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है अभी दोनों का जो प्राइस है सेम ही दिखा रहा है, हो सकता है कभी इसका 150 रुपये जो सिल्वर कलर है उसका ज़्यादा भी रहता है। तो अगर आप इसको अगर अभी तक बाय नहीं किए तो इसको भी मत खरीदिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लूज हो जाता है। तो आप इसको उतना ज़्यादा कम, ठीक है डिस्कनेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा मोबाइल को मतलब इधर करेंगे, इधर उधर हिलाएंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये वाला भी ठीक है, ये बढ़िया है, एक इसका आप मेटल कलर ले लीजिए तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।